नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको आलू और कच्चे चावल का मज़ेदार नाश्ता बना के दिखाऊंगा, जिसे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक यानी कि घर के सभी लोग खाना पसंद करेंगे। तो फिर चले दोस्तों, वीडियो शुरू करें। वीडियो की शुरुआत हम आलू से करेंगे। तो यह मैंने एक मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके लिया है। तो इसे हम छोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करके लेंगे। आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि गुठलियाँ ना रहे। ये देखो, मैंने आलू को कद्दूकस करके लिया है। अब इसे थोड़ी देर यहीं पर छोड़ के इधर मैंने आधा कप चावल को 2 घंटे भिगो कर लिया है। तो इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे। दोस्तों, आप इस नाश्ते को बनाने के लिए किसी भी प्रकार के चावल ले सकते हो। अब इसके साथ डालते हैं 1/4 कप दही और थोड़ा पानी डाल के इसे पीस कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे पीस लेने के बाद इसे आलू के साथ ऐड करते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा बैटर एकदम स्मूथ बना है। अभी इसमें बारीक कटा हुआ एक छोटा सा प्याज डालेंगे और साथ में एक शिमला मिर्च को भी डालते हैं। यह है कद्दूकस किया हुआ एक छोटा गाजर। अब 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालते हैं। अभी बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची डालेंगे। यह है 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। स्वादानुसार नमक डाल के 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे, ताकि इसमें डाले हुए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें यह बैटर थोड़ा सा पतला चाहिए, तो इसमें और थोड़ा पानी डाल के थोड़ा पतला सा बैटर बना लेंगे। ये देखिए, हमें ऐसा बैटर चाहिए। अभी चलते हैं दोस्तों किचन की ओर। यहाँ पर हम तवे को थोड़े से तेल से ग्रीस करके लेते हैं। तेल लगाने के बाद 1 बड़ा चम्मच बैटर को तवे पर डाल के राउंड शेप देंगे। इसे आप साइज़ में छोटा बड़ा आपको जैसा भी बनाना हो वैसे बना सकते हो। अभी इसे 2 मिनट सेक लेंगे। 2 मिनट के बाद इसे दूसरे साइड पलट के दूसरे साइड से भी सेक लेते हैं। इसे 1-2 बार अलटते पलटते हुए सेक लेना है। दोस्तों, इसे बनाने के बाद आप इसे नारियल की चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ खा सकते हो। ये देखिए, हमारा टेस्टी नाश्ता तैयार है। तो आज की यह नाश्ता रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।